फ्रेंड्स, एरे के सीरीज में आज हम लोग एक और छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और इस वाले में ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पास एक एरे गिवन है और वो एरे एन साइज का है। इसमें मुझे हर एक पेयर को स्वैप कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एरे ऐसे गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस केस में मुझे क्या करना है कि 1, 2 को स्वैप कर देना है तो ये 2, 1 हो जाएगा। 3, 4 को स्वैप करना है तो ये 4, 3 हो जाएगा। 5, 6 को स्वैप करना है तो ये 6, 5 हो जाएगा। 7, 8 को स्वैप करना है तो ये 8, 7 हो जाएगा। तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें हम मान सकते हैं कि मेरे पास एक आई इंडेक्स है जो 0 से इनिशलाइज हो रहा है, और पहले मैं आई और i+1 इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सचेंज कर दूंगा, फिर आई को 2 से इंक्रीमेंट कर दूंगा जिससे कि i2 इंडेक्स पर पहुंच जाएगा, फिर मैं 2 और 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दूंगा, अगेन आई को मैं 4 पर पहुंचा दूंगा और ये 5, 6 वाले एलिमेंट को एक्सचेंज कर देगा, फिर मैं आई को पहुंचा दूंगा इंडेक्स नंबर 6 पे और ये 7 और 8 एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देगा। इस तरह से मेरा काम हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि एक ऐसा एरे लेते हैं जिसकी साइज ऑड है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कंडीशंस डिजाइन कर सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, मान लेते हैं 5 साइज का या 7 साइज का एरे लेते हैं और 1 और 2 को एक्सचेंज करते हैं। दिस बिकम्स 2 एंड 1। आई मेरा इनिशलाइज हुआ था यहाँ से, फिर आई मेरा इंडेक्स नंबर 2 पे पहुंचा और 3, 4 को मुझे एक्सचेंज करना है तो ये 4, 3 हो गया। फिर आई को मैंने इंडेक्स नंबर 4 पे पहुंचाया और 5, 6 को एक्सचेंज किया, दिस हैज बिकम 6, 5। देन आई को फर्दर मैंने इंक्रीमेंट किया और आई मेरा यहाँ पहुंच गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि आई के आगे i+1 इंडेक्स पे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने ऑपरेशन को यहीं स्टॉप करना होगा। क्योंकि मुझे ऑपरेशन को यहीं स्टॉप करना है, इसका मतलब कि कंडीशंस मुझे बहुत ही केयरफुली लिखनी होगी। तो हम कैसे कंडीशन इसमें लिखेंगे कि आई को हम 0 से स्टार्ट करेंगे और आई को n-2 पे स्टॉप कर देंगे, और फिर हम क्या करना है, हमें स्वैप करना है वैल्यूज ai और ai+1 को। यही हमारा काम करना है और देन इसके बाद हम नंबर्स को डिस्प्ले कर देंगे। तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। और मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक मेन है जिसमें स्वैप पेयर्स का एक फंक्शन है। स्वैप पेयर फंक्शन में हम एक एरे को पास कर देंगे जिसमें एन एलिमेंट्स होंगे और इसी में हमें स्वैपिंग करके नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो हम अपनी तरफ से एक एन ले लेते हैं और उसके बाद फिर यूजर से इनपुट करा लेंगे इस एरे के एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कराने के लिए हम एक लूप चलाते हैं। सीन स्टेटमेंट का यूज करके हम एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करा लेंगे। मान लेते हैं कि एरे का जो मेरा नाम है वो ए है या ARR है, जैसा भी आप चाहें। यहाँ पे हम ARR मान लेते हैं क्योंकि हम सी या C++ में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट साइज का ही हमें एरे डिक्लेयर करना चाहिए। तो मान लेते हैं एक लार्ज एरे हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ARR 1000 साइज। अन्यथा आप इसमें या तो वेक्टर का यूज करें जो कि डायनेमिक साइज का एरे क्रिएट कर देगा, या फिर आप मलॉक फंक्शन या न्यू फंक्शन का यूज करके एरे को क्रिएट कर लें। मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट साइज का एरे ले लिया ताकि बेसिक प्रोग्रामिंग करने वाले भी इसको समझ पाए। तो मैंने इनपुट करा लिया एरे को एंड देन उसके बाद फिर मैंने स्वैप पेयर फंक्शन में एरे को और साथ ही साथ एन जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको हम पास कर देते हैं। तो आइए हम स्वैप पेयर फंक्शन को लिखते हैं। स्वैप पेयर फंक्शंस में एक इंटीजर एरे मुझे मिल रहा है, लेट्स से उसका नाम ए है और इसका साइज एन है। आप चाहें तो इसको फिर से ARR ही मान सकते हैं। स्वैप पेयर फंक्शन में आपको क्या करना है, लूपिंग करनी है i=0 से जब तक i<n-1 हो। ऑलरेडी हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस कर लिया है। और स्वैपिंग करनी है एलिमेंट की ai with ai+1। स्वैपिंग करने के लिए आप टेम्प्रेरी वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं, आप जॉर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जॉर ऑपरेटर का, नॉट जॉर फंक्शन, और उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन मेथड को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हमने टेम्प्रेरी वेरिएबल वाले मेथड का यूटिलाइजेशन किया। आई थिंक स्वैपिंग सबको क्लियर होगा, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने स्वैपिंग कर ली और स्वैपिंग करने के बाद नंबर्स को हम डिस्प्ले कर देंगे।
नंबर को डिस्प्ले करने के लिए सभी एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, इसलिए यहाँ पे सी आउट एरे आई। फाइन, तो आई थिंक कि ये सब कुछ सही चलना चाहिए। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने कोड को। एक एरे लिया, एन वैल्यू यूजर से इनपुट कराया, एंड देन उसके बाद फिर एरे के एलिमेंट्स को भी यूजर से इनपुट कराया, स्वैप पेयर फंक्शन को कॉल किया और उसमें एरे और एन को पास कर दिया। स्वैप पेयर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर देते हैं। और पॉपुलेट करने के लिए या इसमें स्वैपिंग करने के लिए, यस एक गलती हमसे हुई है, देखिए कि अगर हमने जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को पहले एक्सचेंज किया है, देन उसके बाद हमें 2 और 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सचेंज करना चाहिए। तो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू यहाँ ले लीजिए, एक्सचेंज कर दिया, एंड एक्सचेंज करने के बाद नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। इसमें हमने सबस्क्रिप्ट नहीं लगाया। फाइन, मान लीजिए कि हमारे पास एक 5 साइज का एरे है जिसके नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप चेक कर सकते हैं कि 2, 1, 4, 3 एंड 5। डिस्प्ले करते समय आप एक स्पेस भी लगा सकते हैं जिससे कि हमारी जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। एक इवन साइज का एरे ले लेते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आप चेक कर सकते हैं कि पहले 1, 2 एक्सचेंज हुए, देन 3, 4, देन 5, 6 एक्सचेंज हुए। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स 8 हैं, या 9 एलिमेंट्स ले लीजिए, 1, 2, 5, 4, 5, 7, 2, 9, 10 और 12। मैंने 8 एलिमेंट्स ले लिया, एक एलिमेंट 43 ले लीजिए। तो आप चेक कर लीजिए जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर में एक्सचेंज हो जा रहे हैं, और लास्ट एलिमेंट हमारा ऐसे ही रह गया क्योंकि ऑड साइज का हमारा ये आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।